नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय गणित उपघटक घटाव पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे शाब्दिक प्रश्न। मेरी के पास 500 रुपये थे, उनमें से उसने 275 रुपये की पुस्तकें खरीद ली, तो उसके पास कितने रुपये बचे रह गए? अभी सवाल को हम हल करेंगे। मेरी के पास 500 रुपये थे, तो 500 रुपये को पहले आप इकाई दहाई सैकड़ा में लिखिए। सैकड़ा में 5, दहाई में 0, इकाई में 0, इस तरह से हम लिखेंगे। उसने 275 रुपये की पुस्तकें खरीदी, तो 275 रुपये हमें 500 में से निकालना है, घटाना है, तो हम लिखेंगे 275 और उसे घटाएंगे। अब शून्य में से, शून्य इकाई में से 5 घटाना है आपको, नहीं घटेगा। तो उसके बगल के पास से लेंगे उधार, पर उसके पास भी शून्य है, तो वो उसे नहीं दे सकता। हम उसके बगल में जाएंगे, 5 सैकड़ा के पास, 5 सैकड़ा शून्य को 1 दे सकता है, तो 5 1 सैकड़ा देगा, तो दहाई के पास जब वो आएगा तो 10 बन जाएगा। 10 में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास 10, और 5 सैकड़ा में से 1 सैकड़ा हमने दे दिया तो हमारे पास 4 सैकड़ा बचा। अब इकाई 10 के पास से 1 उधार लेगा, ये उसे 1 देगा, 1 दहाई देगा, मतलब 10 इकाई होता है, और 10 इकाई 0 में से जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 होगा, क्योंकि शून्य में 10 को जोड़ना मतलब 10 ही है। 10 दहाई ने 1 दहाई दे दिया तो इसके पास बचा 9। अब हम घटाएंगे, अब हमारा घटाने के लिए पूरी तरह से ये तैयार है। 10 में से 5 घटा दिया तो हमें मिला 5, 9 में से 7 घटाया हमें मिला 2, 4 में से 2 घटाया तो हमें मिला 2, इस तरह से हमने घटाया। तो मेरे के पास अब कितने पैसे बचे रह गए? मेरे के पास अब 225 रुपये बचे रहे। 500 में से 275 का उसने पुस्तकें खरीदी और 225 रुपये बच गए। अब अगला सवाल देखते हैं। विद्यालय में 350 लड़कियां तथा 215 लड़के हैं, तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कितनी अधिक है? इस सवाल को हम देखेंगे। देखिए, तो पहले हम उसको 350 को सैकड़ा दहाई इकाई में लिखेंगे, और लड़कियां अधिक हैं तो लड़कियों में से हम लड़के को घटाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी लड़कियां अधिक है। 350 में से हमें 215 घटाना है, शून्य में से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा। शून्य 5 के पास से 1 उधार लेगा, तो 1 आया, और 1 मतलब 1 दहाई मतलब 10 इकाई, 10 इकाई में हमने शून्य जोड़ दिया तो हमारे पास 10 ही बचेगा, और 5 ने 1 दे दिया था इसके लिए इसके पास बचा 4। अब आप घटाइए, 10 में से 5 घटा दिया बचा 5, 4 में से 1 घटाया तो बचा 3, 3 में से 2 घटाया बचा 1, तो इस तरह से 135 लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, आगे चलिए। आगे हम तीसरा सवाल देखेंगे। किसी दुकान में कुछ पुस्तकें हैं, देखिए कुछ पुस्तकें हैं, हाँ, दुकानदार ने 125 पुस्तकें और खरीदी, पहले कुछ थी अब 125 और खरीद ली, तो अब उस दुकान में कुल 234 पुस्तकें हो गई, तो प्रारंभ में दुकानदार के पास कितनी पुस्तकें थी? दुकानदार के पास कुछ पुस्तकें थी, उसमें 125 खरीद ली, तो पूरा मिलाकर उनके पास हो गया 234। तो सबसे शुरू में दुकानदार के पास कितनी पुस्तकें थी हमें वो पता लगाना है, तो उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो पुस्तकें कुल हैं अभी, उसमें से जो उन्होंने खरीदी उसको घटा देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि दुकानदार के पास प्रारंभ में कितनी पुस्तकें थी। सबसे पहले हम वही करेंगे, इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर दहाई, और सैकड़ा के स्थान पर
सैकड़ा यानी 234 को हम इकाई दहाई सैकड़े के रूप में लिख लेंगे। सैकड़े में दो, दहाई में तीन, इकाई में चार, 234। अब उसमें से घटाएंगे 125। एक सैकड़ा, दो दहाई, पाँच इकाई, इस तरह से हमने लिख लिया। अब घटाएंगे चार में से पाँच, चार छोटा है, पाँच बड़ा है, नहीं घटेगा। तो चार जो है अपने पड़ोसी तीन दहाई के पास जाएगा और उससे एक लेगा, एक लेगा मतलब एक दहाई, तो वो उसको कितना देगा, एक दहाई का मतलब होता है 10 इकाई, ठीक। और यहाँ पे चार इकाई पहले से है, इसे हम जोड़ेंगे, हाँ जोड़ देंगे, तो हमारे पास हो गया कुल मिला के 14। तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर 14, और तीन ने एक दिया तो तीन दहाई के पास बचा कुल 2 दहाई। अब 14 में से 5 घटाना है आपको, 14 में से 5 घटाइए, 14 में से 5 घटाया, बचा हमारे पास 9। और यहाँ 2 है, 2 दहाई में से 2 दहाई घटा दिया तो बचा 0। अब 2 में से 1 घटाइए, 2 में से 1 घटाया तो हमारे पास बचा 1। तो प्रारंभ में दुकानदार के पास कुल 109 पुस्तकें थी, 109 पुस्तकें पहले थी, फिर उन्होंने बाद में 125 पुस्तकें खरीदी, तो कुल मिलाकर दुकानदार के पास 234 पुस्तकें हो गई। तो बच्चों इसी तरह आप सवाल को अच्छी तरह से ध्यान से देखो, समझो और उसे हल करना। और आपकी पुस्तकों में और सवाल है उसका भी आप अभ्यास इसी तरह से करना। तो बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।